हल्द्वानी के काला ढूंगी रोड से कमुल बागांजा ऊंचा पुल कटघरिया और लामाचोड़ रूट पर ऑटो चालकों से किराया बढ़ाने की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कई ऑटो चालक यात्रियों से पुराना ही किराया वसूल रहे हैं तो कई ऑटो चालक नया किराया ले रहे हैं। ऑटो चालकों ने बताया है कि अधिकतम 5 रुपये किराया बढ़ाया गया है जो कि जरूरी है। ऑटो चालकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में हर चीज महंगी हो चुकी है जिसके चलते मजबूरी में किराया बढ़ाया गया है। हमारे संवाददाता ने यात्रियों और ऑटो चालकों से बात की है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आया सुना है क्या रेट है, 2-3-4 रुपए से 5 रुपए तक बढ़ा है, 3-5 रुपए हर स्टैंड का थोड़ा थोड़ा। उसमें हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे ज्यादा कोई जनता पे भी सवारियों पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 रुपए कोई ज्यादा थोड़ा होता है, हर आदमी देना चाहता है, बस वो सुविधा मिले। 5 रुपए का सुना है क्या, 5 रुपए आज से बढ़े हैं किराए में, तो 5 रुपए में तो चलो ठीक है, 5 रुपए तो ज्यादा भी नहीं होता। डीजल इतना महंगा है कि औसत नियारी में बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ज्यादा लंबा जाने पर डीजल ज्यादा खाती है, उस हिसाब से 5 रुपए बढ़े हैं तो ठीक है। अभी महंगाई के हिसाब से तो ठीक ही है।